स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक का विषय हिंदी व्याकरण पाठ सात। पाठ का नाम है लिंग स्त्री पुरुष। तो आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग क्या होता है। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। तो चलिए हम बुक को पढ़ते हैं। लिंग की पहचान करने से यह पता चलता है कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान से पता चलता है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और जानो। यहाँ पे नीचे आपके शब्द दिए गए हैं, चित्र आप देख रहे हैं और वहाँ पे शब्द लिखा है। जैसे यहाँ पे चित्र है गुड्डा का, तो गुड्डा आपका क्या है पुल्लिंग है। फिर आपका चित्र यहाँ पे गुड़िया का, तो ये क्या है आपका स्त्रीलिंग। तो गुड्डा शब्द से पता चलता है कि यह लड़का पुल्लिंग के लिए है और गुड़िया शब्द लड़की स्त्रीलिंग के लिए है। तो यहाँ पे जो गुड्डा शब्द आपका है जो पुल्लिंग है और यहाँ पे गुड़िया शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है। फिर हम देखेंगे लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो इस प्रकार लिंग के दो भेद होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पे आप देखिए लिंग लिंग के दो भेद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नीचे कुछ चित्र और उनके नाम दिए गए हैं जिनसे यह पता चलता है कि वे शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो नीचे आपके कुछ चित्र दिए गए हैं, तो चित्र से आपको पता चलेगा कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध है। जैसे यहाँ पे आपके शिक्षक और शिक्षिका का चित्र दिया गया, तो पुल्लिंग आपके क्या हो जाएंगे पुरुष जाति शिक्षक का बोध हो रहा है और शिक्षिका आपके स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। यहाँ पे तो ये आपके हो जाएंगे पुल्लिंग और आपके स्त्रीलिंग। शिक्षक पुल्लिंग और शिक्षिका स्त्रीलिंग। फिर आप यहाँ पे पुल्लिंग, यहाँ पे छात्र और स्त्रीलिंग में छात्रा, तो छात्रा आपका पुल्लिंग हो जाएगा और स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका छात्रा, जो शब्द है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। राजा रानी, तो राजा आपका हो जाएगा पुल्लिंग और रानी आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। माली मालिन, तो मालिन माली आपका हो जाएगा पुल्लिंग और मालिन आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। नौकर नौकरानी, तो नौकर आपका पुल्लिंग होगा और नौकरानी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बैल गाय, तो बैल आपका पुल्लिंग है और गाय आपका स्त्रीलिंग है। सेठ सेठानी, मोर मोरनी, तो सेठ और मोर आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। सेठानी और मोरनी आपके क्या हो जाएंगे ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सेठ पुल्लिंग, सेठानी स्त्रीलिंग, मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने बेटा बेटी, तो बेटा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, बेटी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। देव देवी, तो देव आपके पुल्लिंग हो जाएंगे और देवी आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। मुर्गा मुर्गी, तो मुर्गा आपका पुल्लिंग हो जाएगा और मुर्गी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। नाना नानी, मामा मामी, तो नाना और मामा आपके पुल्लिंग हो जाएंगे और नानी और मामी आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर आपका घोड़ा घोड़ी, भतीजा भतीजी, तो घोड़ा और भतीजा ये आपके क्या हो जाएंगे पुल्लिंग और घोड़ी और भतीजी ये आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे मान लीजिए फिर है बुढ़ा बुढ़िया, तो बुढ़ा आपका पुल्लिंग हो जाएगा और बुढ़िया आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। फिर चूहा चूहिया, तो चूहा आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, चूहिया आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर चित्र दिया भी है चूहा का चूहिया का, शेर का शेरनी का। तो चूहा और शेर आपके पुल्लिंग है, चूहिया और शेरनी आपके स्त्रीलिंग है। कुछ अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को जानो। आपके बुक में कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं जिसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे। माता पिता, तो माता आपकी क्या है, तो आपके बुक में गलत दिया है, माता के बुक में पुल्लिंग दे दी, तो ये आपका क्या होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और पिता जो है आपके बुक में गलत है, तो ये क्या हो जाएगा पुल्लिंग। तो यहाँ पे आप करेंगे माता और यहाँ पे आप करेंगे पिता, तो आपका पिता शब्द जो है पुल्लिंग है और माता शब्द स्त्रीलिंग। चाचा शब्द आपका पुल्लिंग है और चाची शब्द आपका स्त्रीलिंग है। भैया शब्द आपका पुल्लिंग है, भाभी शब्द स्त्रीलिंग है। बेटा पुल्लिंग है और बेटी स्त्रीलिंग है। दादा पुल्लिंग है और दादी स्त्रीलिंग। बिलाव बिलाव आपका पुल्लिंग है और वही बिल्ली आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। जादूगर पुल्लिंग है और जादूगरनी स्त्रीलिंग है। नाना पुल्लिंग है, नानी स्त्रीलिंग है। मामा पुल्लिंग है, मामी स्त्रीलिंग। मौसा मौसी, धोबी धोबिन, हाथी हथनी, संगी संगिनी, हिरन हिरनी। तो जो आपके पुल्लिंग शब्द हैं आपके पुल्लिंग के नीचे दिया गया और इधर आपके स्त्रीलिंग है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है।
फिर आपका दिया लिंग का करके ज्ञान, लड़का लड़की की करो पहचान, तो आप इसे याद करेंगे, अपने बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और लिंग के बारे में समझेंगे कि लिंग क्या होता है। हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। तो आप अपने इस चैप्टर को लिंग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज आपका क्लास ही ओवर हो रहा है। थैंक यू।